हे गाइस, हीरोपीडिया के दूसरे एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आपके पूछे गए सवालों के जवाब देने वाला हूं और मैंने 4 सवाल पिक किए हैं। तो होप कि आप लोगों को अच्छे लगेंगे। और इन सभी सवालों को किसने पूछा ये बात मुझे पता नहीं है, या फिर मैं कह लूँ कि याद नहीं है, बट उन सभी ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे इसलिए मैंने इन्हें पिक किया है और उनके आंसर मैं देने वाला हूं। सभी के पूछे गए क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में और इस पर थ्योरी बनाने में मेरी एक दोस्त ने मदद की है, सो मैं उसे भी थैंक यू बोलूंगा। और आप लोगों को भी आपने बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे हैं। तो प्लीज वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर द टाइम। सच बोलना, नया इंट्रो कैसा लगा? और हाँ, अगर बुरा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या बुराई है, ताकि मैं नए इंट्रो के बारे में भी सोचूं। बट फिलहाल इससे काम चला लो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन पूछा है ड्रैगन मास्टर ने, और उनका क्वेश्चन है कि जो अल्टीमेट एलियन है लाइक अल्टीमेट ह्यूमंगस और अल्टीमेट एको, जब बेन उन पे ट्रांसफॉर्म होता है तो जो अल्टीमेट्रिक्स है उसके सिंबल पर क्रॉस बन जाता है। आप लोगों ने देखा होगा और आप स्क्रीन में देख रहे किस तरह का क्रॉस बनता है, तो वो किस लिए है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये पूछा है ड्रैगन मास्टर। इससे रिलेटेड मुझे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या आंसर तो नहीं मिला, लेकिन जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो कुछ ऐसे है कि अल्टीमेट एलियन के चेस्ट पे अल्टीमेट्रिक्स में क्रॉस का सिंबल इसलिए आता होगा ताकि जो अल्टीमेट्रिक्स है वो बेन के ऊपर अल्टीमेट एलियंस को हावी होने ना दे, या फिर उनकी पर्सनैलिटी को हावी होने ना दे, उन्हें कंट्रोल करने के लिए ही ये सिंबल वहां पे दिखाया गया हो, या फिर ये कोई और तरह का ग्लिच या डिफॉल्ट भी हो सकता है। हो सकता है कि इसका ये डिजाइन अल्टीमेट एलियन को और भी ज्यादा डरावना और खतरनाक दिखाने के लिए यूज किया गया हो। तो आज का हमारा दूसरा सवाल पूछा है संजीव कुमार ने, इनका क्वेश्चन है कि जो अल्बिडो है वो ओमनीवर्स के सीजन में अल्टीमेट ग्रैव अटैक में कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ। क्वेश्चन मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया, लेकिन मैं अपने हिसाब से इसका जवाब दे दूं कि जो अल्बिडो है वो उन्हीं एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है जिन्हें बेन ने अनलॉक किया है, बेन उनमें ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो जो बेन है वो ग्रैव अटैक को बहुत पहले ही अनलॉक कर चुका था और उसको यूज भी कर चुका था, और बाद में अल्बिडो उस पर ट्रांसफॉर्म हुआ है थ्रू उसकी अल्टीमेट्रिक्स, और फिर वो उसके अल्टीमेट वर्जन की तरफ गया। हमारा अगला सवाल पूछा है ओमनी स्पार्की ने, उनका क्वेश्चन ये है कि क्या होता अगर अजमत के पास से अल्टीमेट्रिक्स को अल्बिडो कभी चोरी ही नहीं करता, तो जो अजमत है वो कौन सी ओमनीट्रिक्स बनाता। तो इस सवाल का थोड़ा जवाब ब्रीफली होगा, तो फिर बोर मत होना। तो जो अजमत है उसने अल्टीमेट्रिक्स पे बहुत सालों तक काम किया, लेकिन उसका जो पावर कोर था वो अनस्टेबल था, यानी कि पूरा नहीं था, जिसकी वजह से उसने इसे एक हाई सिक्योरिटी वाले एरिया में रख दिया। लेकिन जो अल्बिडो है उसने इसे चोरी कर लिया और इसे अल्टीमेट्रिक्स बनाया, इसमें एवोल्यूशनरी फंक्शन ऐड किया और पता नहीं क्या, और उसमें बहुत सारे ग्लिचेस थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से अजमत ने कभी इस अल्टीमेट्रिक्स को लाइक नहीं किया। तो अगर ये कभी चोरी ही नहीं होता तो अजमत इसे किसी न किसी तरह से स्टेबल बना लेते, पूरी तरह से ग्लिच फ्री भी बना देते और कंप्लीट भी कर लेते, लेकिन इसमें एवोल्यूशनरी फंक्शन नहीं होता, यानी कि एलियंस को अल्टीमेट करने वाला फीचर इसमें नहीं होता। इसलिए क्योंकि जो अजमत है वो नहीं चाहते थे कि अल्टीमेट्रिक्स या फिर ओमनीट्रिक्स में कभी भी एवोल्यूशनरी फंक्शन हो। उनका मानना था कि एवोल्यूशनरी फंक्शन सिर्फ वॉयलेंस के लिए काम आ सकता है, हमें कभी अल्टीमेट्रिक्स देखने को नहीं मिलती, बल्कि उससे भी अच्छी वर्जन यानी कि जो ओमनीवर्स वाली वॉच थी वो शायद देखने को पहले मिल जाती। आज का हमारा अगला और लास्ट सवाल पूछा है बारेन्या बाइवाब डैश ने, और प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है क्योंकि नाम थोड़ा अजीब लगा। का सवाल है कि जो बेंटन ओमनीवर्स का एक एपिसोड था जिसमें सारे बेन गायब हो रहे थे, तभी जो बेन प्राइम है उसने अपनी ओमनीट्रिक्स नोवॉच बेन को दी। मानना है कि अगर ओमनीट्रिक्स में रिकॉग्नाइजेशन फीचर है तो फिर वो नोवॉच बेन के हाथों में कैसे चली गई। तो मैं आपको बता दूं कि ओमनीट्रिक्स कभी भी बेन को स्कैन नहीं करता, यानी कि वो बेन को रिकॉग्नाइज करता कि हां ये बेन है या फिर नहीं। तो फिर इसका फंडा बिल्कुल ऐसा है कि जो भी बेन टेनिसन डिफरेंट यूनिवर्सेस में है उन सभी का डीएनए तो सेम ही है, वो सभी बेन टेनिसन ही है, और जो ओमनीट्रिक्स है वो डायमेंशन वाइज कभी भी बेन टेनिसन को स्कैन नहीं करता, उसके लिए बेन बेन है चाहे वो किसी भी डायमेंशन से हो। करता हूं आप सभी को आपके सवालों के जवाब मिल गए हो, एंड गाइस प्लीज सपोर्ट करें ऐसे ऑसम वीडियोस देखने के लिए। वेल आज की वीडियो हम यहीं पे रैप अप करने वाले हैं। होप करता हूं आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो गाइस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइट।